हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्यू मेन्यू में सिंपल वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल और एनहेंस्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप टूल बॉक्स में से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट टाइप करते हैं बीएमएस। इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद हम टूल बॉक्स में से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल। इस पर क्लिक किया और इसको इसके ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं वो अपने एक्सट्रूड के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद पिक टूल लेकर इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। फिर हम व्यू मेन्यू में जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सिंपल वायर फ्रेम। इस सिंपल वायर फ्रेम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमें टेक्स्ट की वायर शो करेगा, आउटलाइन शो करेगा। इसके अलावा कोई भी इफेक्ट अगर आपने अप्लाई किया होगा वो शो नहीं करेगा। ऐसे ही व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो भी शो करेगा और जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया होगा उसकी भी सिर्फ वायर शो करेगा, जैसे आप देख रहे हैं अभी। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के अंदर आपको जैसे हमने एक्सट्रूड अप्लाई किया था तो एक्सट्रूड का सिर्फ सिंगल कलर है वो ही शो करेगा और जो टेक्स्ट होगा वो एकदम रफ होगा और जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया होगा वो भी एकदम रफ शो करेगा। ऐसे अगर आप व्यू में जाके नॉर्मल करते हैं तो उसको नॉर्मल कर देगा। अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे जो अभी भी टेक्स्ट है या जो शेडो है वो अभी भी जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया है वो भी अभी रफ है, तो उसके लिए आप व्यू में जाएंगे और यहाँ से करेंगे एनहेंस्ड। तो जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा वो एनहेंस्ड मीन स्मूथ हो जाएगा और जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया है एक्सट्रूड वो भी उसे स्मूथ कर देगा। इन पांचों ऑप्शंस का यूज आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। इसको विंडो में फिट करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्यू मेन्यू में सिंपल वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल और एनहेंस्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप टूल बॉक्स में से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे।